हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे डीसी जनरेटर के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन पार्ट टू की बात। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्मेचर की धारा में होने वाले परिवर्तन को कम्यूटेशन कहते हैं। जब हम आर्मेचर को फील्ड पोल में, चुंबकीय फील्ड पोल में घुमाते हैं, तो वह चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करता है, जिसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, तो उसके चालक में हमें पता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उस विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर कोर है उसमें भी कुछ विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जो मुख्य विद्युत धारा का विरोध करती है, और उन दोनों की आपसी क्रिया को ही हम कम्यूटेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक स्टेटर है, स्टेटर के पोल हैं और यह आपका आर्मेचर है। जब हम इसको घुमाएंगे तो इसके जो चालक होते हैं, जो इसमें आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, इस आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो यह वाइंडिंग स्थापित की गई है, यह एक कोर पर स्थापित की गई, और कोर भी कहीं ना कहीं चालक होता है दोस्तों। इस कारण उस चालक में भी इंडक्शन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और वह विद्युत धारा मुख्य विद्युत धारा का विरोध करती है, जिसे हम कम्यूटेशन कहते हैं। अगला है स्विनबर्न पद्धति में डीसी जनरेटर शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर के समान चलती है या मशीन की हानियों को ज्ञात करती है। तो जो स्विनबर्न पद्धति होती है वह नो लोड पर स्थापित की जाती है, और हॉपकिंसन परीक्षण वह फुल लोड पर स्थापित की जाती है। यह दोनों पद्धति जो है हानियों को, मतलब डीसी जनरेटर के हानियों को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कि डीसी जनरेटर में निम्न ब्रश घर्षण गुणांक। जैसे मान लीजिए यह कम्यूटेटर है, तो जो ब्रश का घर्षण गुणांक होता है वो कम से कम होना चाहिए 0.35, कम से कम 0.35 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता का मान बड़ी मशीनों में छोटी मशीनों की अपेक्षा दोगुनी होती है। तो जो छोटी मशीनें होती हैं उसमें चुंबकशीलता का मान कम होता है, तथा बड़ी मशीनों में चुंबकशीलता का मान अधिक होता है। पांचवा है वेव वाइंडिंग में औसत पिच भिन्नात्मक होता है। जो वेव वाइंडिंग होता है उसमें जो एवरेज पिच होता है उसका मान क्या होता है, भिन्नात्मक होता है। अगला है जब एक बंद चालक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समानांतर गति करता है, अगर कोई बंद चालक है, जैसे मान लीजिए यह एक चालक है जो चारों तरफ से शॉर्ट सर्किट है, और जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो इस चालक में EMF का मान जीरो होगा, क्योंकि यह चारों तरफ से बंद है। इस कारण इसमें जो पैदा होने वाला EMF है उसका मान जीरो होगा दोस्तों। अगला है जब प्रेरित वोल्टेज है वह विरोधी विद्युत वाहक बल का आधा हो जाता है, तो जनरेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट जो होता है वह अधिक होता है। मतलब कि भी बराबर 1/2 EB, यानी कि विरोधी विद्युत वाहक बल का आधा हो जाता है, या EB बराबर मतलब बैक EMF का मान दोगुना हो जाता है, तब उस समय जनरेटर जो है आउटपुट जो देगा वह हमें अधिकतम देगा। अगला है जब लोड करंट का मान बढ़ता है तो कॉपर लॉस भी बढ़ जाता है। क्योंकि कॉपर लॉस बराबर होता है I² × R। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जब लोड बढ़ेगा तो करंट का मान बढ़ेगा, और करंट का मान जब बढ़ेगा तो जो कॉपर होता है उसमें हानियां बढ़ेंगी, जिसके कारण हमारा कॉपर लॉस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब जब करंट बढ़ेगा तो कॉपर गर्म होगा, उसके इनेमल जल सकते हैं, वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है। अगला
जो जनरेटर का क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है वह जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग में संयोजित किया जाता है। जो जनरेटर का क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है वह फील्ड वाइंडिंग में संयोजित की जाती है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है, अगर लोड रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक हो जाए तो जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, जब कम रेजिस्टेंस लोड पर संयोजित होता है तभी जनरेटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगला है कि डीसी जनरेटर की क्षमता। तो डीसी जनरेटर की क्षमता जो होती है आउटपुट बटे आउटपुट प्लस हानियाँ गुणे 100, यानी कि हम जनरेटर को कितना आउटपुट प्राप्त करने के लिए उसको डिजाइन किए हैं और जनरेटर हमें कितना आउटपुट देता है, क्योंकि किसी भी मशीन में कुछ ना कुछ हानियाँ ज़रूर होती हैं। तो हानियों के बाद हमें कितना आउटपुट प्राप्त होता है उसी के अनुपात को हम जनरेटर की क्षमता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है आउटपुट बटे आउटपुट प्लस हानियाँ गुणे 100। अगला है कंपनसेटिंग कॉइल। तो जो कंपनसेटिंग कॉइल होती है वह मेन कॉइल के साथ स्थापित की जाती है। जो कंपनसेटिंग कॉइल होती है वो मेन कॉइल के साथ स्थापित की जाती है। कंपनसेटिंग कॉइल का कार्य होता है कि अतिरिक्त कंपनों को वह समाप्त करता है, जनरेटर के अतिरिक्त कंपनों को समाप्त करता है, स्पार्किंग को कम करता है। अगला फ्लोटिंग जनरेटर बस बार को शून्य धारा सप्लाई प्रदान करता है। एक जनरेटर होता है जो बस बार में शून्य करंट सप्लाई प्रदान करता है, जिसका नाम होता है फ्लोटिंग जनरेटर। अगला है पृथक उत्तेजित जनित्र में उत्पादित शक्ति जो होती है, मतलब कि जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है उसमें जो उत्पन्न पावर होता है वो टोटल होता है विद्युत वाहक बल गुणे आर्मेचर धारा, यानी कि ई गुणे आई ए। अगला है फार्मूला है प्रतिकार्यता बराबर होता है स्व प्रेरकत्व का गुणांक गुणे धारा की दर। प्रतिकार्यता बराबर स्व प्रेरकत्व का गुणांक गुणे धारा परिवर्तन। अगला है लीकेज फैक्टर। तो लीकेज फैक्टर बराबर होता है कुल चुंबकीय फ्लक्स यानी कि टोटल फ्लक्स फाइव टी बटे उपयोगी चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि जो कुल चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है और जो हम उपयोग कर रहे हैं उसका मान जो होता है इकाई से अधिक होता है उसे हम लीकेज फैक्टर कहते हैं। एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का विद्युत अभिलक्षण जो होता है, विद्युत अभिलक्षण वो संट जनरेटर के ही समान होता है। जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है उसका विद्युत अभिलक्षण दोस्तों संट जनरेटर के ही समान होता है। अगला कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का भार अभिलक्षण। जो कम्युलेटिव कंपाउंड का लोड अभिलक्षण होता है वह संट और सीरीज अभिलक्षणों के मध्य समतल होता है, यानी कि वह सीरीज जनरेटर और संट जनरेटर के बीच वाला होता है। इसीलिए क्यों? क्योंकि जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर या जनरेटर होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग जो होती है दो प्रकार की होती है, एक संट फील्ड वाइंडिंग होती है और एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग, अर्थात वह सीरीज फील्ड की भांति और संट फील्ड के भांति, जैसे वह सीरीज फील्ड की भांति कम स्टार्टिंग टार्क देता है और संट फील्ड या संट मोटर की भांति अधिक स्टार्टिंग टार्क देता है, उसी प्रकार जनरेटर में भी वह सीरीज फील्ड की भांति या सीरीज जनरेटर की भांति लोड बिना लोड पर भी विद्युत वाहक बल जैसा कि सीरीज जनरेटर नहीं देता है, लेकिन जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है वह देता है, क्योंकि इसमें दो वाइंडिंग होती है तो संट वाइंडिंग यानी संट फील्ड वाइंडिंग के कारण इसमें शून्य लोड पर भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों अगला है कि चुंबकीय अभिलक्षण को हम शून्य भार अभिलक्षण या खुला पथ अभिलक्षण भी कहते हैं। जो चुंबकीय अभिलक्षण होता है उसे हम नो लोड अभिलक्षण या ओपन सर्किट अभिलक्षण भी कहते हैं। अगला है कि आर्मेचर अभिलक्षण और कुल अभिलक्षण को, जो आर्मेचर अभिलक्षण होता है या कुल अभिलक्षण को हम आर्मेचर अभिलक्षण भी कहते हैं। अगला है भार अभिलक्षण को बाह्य अभिलक्षण या निष्पादन अभिलक्षण भी कहते हैं। जो लोड अभिलक्षण होता है उसे हम बाह्य अभिलक्षण या निष्पादन अभिलक्षण भी कहते हैं। गति नियंत्रण के वार्ड लियोनार्ड विधि में जो जनरेटर प्रयुक्त की जाती है वह जनरेटर होती है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। जो वार्ड लियोनार्ड विधि है उसमें सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है
श्रेणी कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग आर्क दीप्तन, श्रेणी अभिवर्धक, बूस्टर, मतलब जो श्रेणी अभिवर्धक होता है उसे हम बूस्टर बोलते हैं, में किया जाता है। आर्क दीप में या बूस्टर में हम किसका प्रयोग करते हैं? श्रेणी कंपाउंड जनरेटर। अगला, डीसी जनरेटर में उत्पन्न जो कॉपर लॉस होता है उसका फार्मूला होता है आर्मेचर धारा का होल स्क्वायर गुणे आर्मेचर प्रतिरोध धन संट धारा का होल स्क्वायर गुणे संट प्रतिरोध धन या प्लस सीरीज धारा, यहाँ आर गलत लिखा गया है, यहाँ पर आई होना चाहिए, आई आई एस यानी सीरीज धारा का होल स्क्वायर गुणे आर एस सी यानी कि आई ए का होल स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आई एस एच का होल स्क्वायर इंटू आर एस एच इंटू या प्लस आर एस सी का होल स्क्वायर इंटू आर एस सी। यहाँ आई ए से मतलब है आर्मेचर धारा, आर ए से मतलब है आर्मेचर प्रतिरोध, आई एस एच से मतलब है संट धारा, आर एस एच से मतलब है संट प्रतिरोध और आर एस सी से मतलब है सीरीज प्रतिरोध। और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ आई होना चाहिए, आई आई एस सी से मतलब है सीरीज धारा। अगला है कि डीसी जनरेटर की यांत्रिक दक्षता, जो डीसी जनरेटर होता है उसका जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है वह होता है विद्युत वाहक बल गुणे आर्मेचर धारा बटे बी एच पी प्लस 735.5, जो 735.5 है वह एच पी है, जो किस में है? मीट्रिक में है, और मीट्रिक में एच पी का मान होता है 735.5 और यदि ब्रिटिश है तो ब्रिटिश में 746 वाट होता है। यहाँ पर जो बी एच पी है, बी एच पी का पूरा नाम होता है ब्रेक हॉर्स पावर, बी एच पी का पूरा नाम होता है ब्रेक हॉर्स पावर। अगला है कि वैद्युतिक दक्षता जो होती है इसकी, वो होती है टर्मिनल वोल्टेज गुणे लोड धारा बटे विद्युत वाहक बल गुणे आर्मेचर धारा, यानी कि यहाँ वी टी से टर्मिनल वोल्टेज, आई एल से लोड धारा, ई से विद्युत वाहक बल, जो ई है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और आई ए से आर्मेचर धारा। अगला है व्यावसायिक दक्षता क्या होती है, तो व्यावसायिक दक्षता जो होती है टर्मिनल वोल्टेज गुणे लोड धारा बटे बी एच पी गुणे 735.5। अगला है डीसी जनरेटर में जो यांत्रिक दक्षता होती है वो वैद्युतिक दक्षता, मतलब यांत्रिक दक्षता, वैद्युतिक दक्षता तथा व्यावसायिक दक्षता का जो संबंध होता है वो होता है व्यावसायिक दक्षता बराबर यांत्रिक दक्षता गुणे विद्युत दक्षता, जो व्यावसायिक दक्षता होता है वो किसके बराबर होता है? यांत्रिक दक्षता गुणे विद्युत दक्षता। अगला है डीसी जनरेटर जो होता है वो हमेशा का हमेशा क्लॉकवाइज चलता है, जो डीसी जनरेटर होता है उसकी दिशा क्या होती है? क्लॉकवाइज, यानी कि वो उसके आर्मेचर की दिशा हमेशा घड़ी के सुई के घूमने की दिशा के समान होता है, वह हमेशा क्लॉकवाइज चलता है दक्षिणावर्त दिशा में। अगला है डीसी जनरेटर के जो फील्ड कुंडली का प्रतिरोध होता है, जो डीसी जनरेटर होता है उसका फील्ड कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उसे हम क्रांतिक प्रतिरोध कहते हैं, और क्रांतिक प्रतिरोध का मान जो होता है वो लोड से अधिक होना चाहिए, जो लोड देते हैं जनरेटर पे उससे अधिक होना चाहिए, नहीं तो उसमें कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। अगर दोनों का मान बराबर हो जाए, लोड प्रतिरोध और क्रांतिक प्रतिरोध, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका मान जीरो होता है। अगला है संट फील्ड में पतले तार की वाइंडिंग, जब हम किसी भी कॉइल में पतले तार लगाते हैं और अधिक टर्न्स रखते हैं तो उसमें चुंबकीय बल का मान अधिक होता है, और जब चुंबकीय बल का मान अधिक होगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। अगला है आर्मेचर करंट के द्वारा आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि जब आर्मेचर में अवांछित विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो वह
कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? आर्मेचर रिएक्शन का, यानी कि वो मुख्य विद्युत धारा का विरोध करने वाले स्वभाव का होता है। अगला है कि जो किसी भी डीसी जनरेटर का जो आउटपुट होता है उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो किसी भी जनरेटर का जो आउटपुट होता है वो बराबर होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर वोल्टेज धन आर्मेचर धारा गुणे आर्मेचर प्रतिरोध। अगला है, जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह गतिज कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनरेटर के शाफ्ट को जब तक घुमाया नहीं जाता है जब तक उसमें कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता है, इस कारण हम बोलते हैं कि जनरेटर जो है गतिज होने के कारण विद्युत वाहक बल पैदा करती है। अगला है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन को सुधारने के लिए ब्रश को आर्मेचर घूर्णन दिशा में अग्रलीड प्रदान की जाती है। जो डीसी जनरेटर होता है उसमें आर्मेचर रिएक्शन को सुधारने के लिए जो ब्रश लगाया जाता है उसे अग्रलीड प्रदान की जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल की बैटरी, जो ऑटोमोबाइल यानी कि जो गाड़ियों में जो बैटरी वगैरह लगाई जाती है उसके लिए हम संट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।